खबर चंपावत टनकपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली बस्तियां किरोड़ा पुल क्षतिग्रस्त। बस्तियों के पास किरोड़ा नाले में बना पुल जो टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है बस्तियां पहाड़ की तरफ, पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर आने जाने वाले भारी वाहन टूटे हुए स्थान उछल जाते हैं, जिस कारण उसकी सरिया नजर आने लगी। नीचे की तरफ से बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े टूट कर गिर रहे। जितनी बार वाहन गुजरते हैं उतनी बार सीमेंट कंक्रीट टूट कर नीचे गिरते रहते हैं, जिससे वहां पर बड़ा ढेर लग गया। बस्तियां प्रधान राम सिंह का कहना है, ये पुल हमारे लाइन लाइफ की तरह है जिससे हम टनकपुर से जुड़े रहते हैं। NH वालों के कारण ही ये क्षतिग्रस्त हुआ है। ये चंपावत वो पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख पुल है। अगर ये टूट आएगा तो ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अन्य ग्रामीणों ने भी इसमें नाराजगी जाहिर की और सीधे इसकी मरम्मत किए जाने की मांग करने वालों में प्रधान कविता धोनी, राम सिंह धोनी, शंकर सिंह, हरीश लेपड़ अनेक ग्रामीण थे। किरोड़ा पर बना हुआ पुल ये करीब 20 साल पहले बना हुआ था, लेकिन इसको बीच में NH ने करीब 5-6 महीने पहले इस पे कुछ काम किया, जिससे इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस पर बड़े बड़े जैकहैमर चलाए गए हैं और पुल करीब नीचे से टूटने के कगार पर है। बाकी गाड़ियां जितनी आती हैं ऊपर नीचे वो बार बार जम कर रहा है और बार बार टूटते जा रहा है। आगे भविष्य में पुल शायद ये ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इसमें जब ये इसको तोड़ रहे थे जैकहैमर से, इसमें कुछ लोहे के गार्डर इनने फंसाए थे। हालांकि ये पुल कंक्रीट का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसमें इनने डामा डाल दिया, तो जब इनने तोड़ा हुआ था तो बीच में एक साइड से इनने कंक्रीट डाल के छोड़ दिया था, तो आने जाने में गाड़ी जो थी वो बहुत दिक्कत कर रही थी, जंप हो रहा था, तो इसमें एक्सीडेंट भी हुए बीच में। लेकिन ग्रामीणों ने मना भी किया, हमने प्रशासन से शिकायत भी करी, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। ये NH और ये कंपनी जो रोड बना रही है, इनकी मिली भगत है, इस पुल को तोड़ने की साजिश है इनकी और ये पुल खराब हो चुका है लगभग। टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर रोड है उसमें किरोड़ा नाले पे बना हुआ जो पुल है वो कुछ अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस संबंध में जो भी आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में एक पूरी रोड का सर्वेक्षण भी हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें कि टनकपुर से लेकर घाट तक पूरा रोड का सर्वेक्षण हुआ है और हम इस चीज़ को अपनी इस रिपोर्ट में लाएंगे। और साथ ही इसमें NH को भी बता दिया गया कि इसको जल्दी रिपेयरिंग वर्क इसमें स्टार्ट किया गया है और फिलहाल इसके संबंध में जो हमारी विस्तृत रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करी जा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।